जे मेरा हिसाब लाया जाए मैं कोई बहुता हिसाब नहीं पता बट गुड करैक्टर जो होंगे तो 48 डेज दी हॉलीडेज बनती है क्योंकि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं लिती तो मैं थोड़ा देखो पहला 3 महीने की प्राइम मिनिस्टर की लीव नहीं दी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सारिया स्टेट्स छुट्टियां दतिया उस तो बाद जो करैक्टर है उस तो चंगा की हो कि बंदे ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिती 48 दिन दी छुट्टियां बन दी हैं 1 महीना थोड़ी गुड करैक्टर का बन है सो मैं ये भी दसता सी भी मेरी सीएम नू भेजता सीगा भाई इंडिकेशन कि मेरी प्रॉब्लम चल रही है तो मेरी सर्जरी है कैंसर की तो स्टेज 2 हो गया क्योंकि स्टेज 1 में डॉक्टर है मैं डायग्नोज कर लिया सी पर मैं वेट करती रही कि वह बाहर आ जाए तो मैं इन्नी देर अपनी हेल्थ नाल खेली सोच के कि उन्होंने बाहर कर देंगे इस तो इलावा दुख इस गल का है कि नवजोत सिद्धू ने उस बंदे नू हाथ भी नहीं लाया चलो पॉलिटिकली जो भी केस होया जिमें भी होया 1988 का केस है हूँ जाके उन्होंने सज़ा दी जा रही है भी रिगरस इंप्रिजनमेंट विदाउट बेल जिहड़ी कि मतलब कातिल बार फिर रहे हैं गैंगस्टर्स बार फिर रहे हैं पर वो बंदे नू फड़ के अंदर किया जाता जिहड़ा कि टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है परिवार का एक बंदा जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह के ड्रॉइंग रूम च कहता है परिवार जिहड़ा बंदा मरिया उहदा बेटा कि नवजोत सिद्धू नू विच इनवॉल्व ना करो क्योंकि नवजोत सिद्धू ने हाथ नहीं लाया मेरे प्यो ने मैं वो हाजरी लान बैंक च गया सी बैंक चो बाहर आया उन्हें मेरे प्यो नू हाथ भी नहीं लाया वो फिर जिहड़े अपने सीनियर वकील है चीमा जी उन्होंने एक साइन की बई असी भी हुण किवें बाहर निकलीए तो कहिंदे उन्हां तो एक बना लो भी लेटर जिदे च क्योंकि नवजोत सिद्धू दे केस सानू अगे ना लेके जाओ क्योंकि ये परिवार फिर सानू बाद च करेगा भी तुसी झूठा करके भी मैनू फसाया पर असी इहो जे नहीं आ क्योंकि जे हुंदे तां असी लोकल बॉडीज़ तक मंत्री भी रहे तां असी परिवार नाल पूरा कर सकते सी साडे लई इह बहुत दुख दी गल है कि किसी का बजुर्ग मरिया ठीक है ना पर भगवंत मान कोल इस गल का प्रूफ है क्योंकि उहदे कोल एक पेन ड्राइव मैं दित्ती सी उहनूं जिहदे विच 2 मिनिस्टर्स ते 1 MLA बैठे है तो वह डायरैक्टली मैं उन्होंने पूछ रही हूँ कि होया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह के ड्रॉइंग रूम च वो ये कह रहे हैं उन्हां च अपने मंडी बोर्ड का चेयरमैन सी लाल सिंह जी कांगड़ जी सीगे ते 1 MLA सीगा उन्हां दी मैनू लाल सिंह अंकल नूं मैं पूछा कि अंकल तुसीं ड्रॉइंग रूम च बैठे सी उत्थे की होया सी कहिंदे कलौड़िया का मुंडा आया सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हें कहा कि सिद्धू ने मेरे प्यो नूं हाथ नहीं लाया मेरी चीमा सर तो एक साड़ी आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना दो असी ये केस नू अगे नहीं ले जाना चाहते हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोचा कि नवजोत सिद्धू तो अगे कदे मेरे हाथ आना नहीं इन्हों का प्लैन बनया भी इनू फसाने लिए आप केस नू लटकाई जाइए वो कहना बस घलौड़िया पिंड आ जाओ साड़ी इज्जत रह जूगी बई साड़ी इज्जत दे करके असी उत्थे कॉम्प्रोमाइज साइन कर लेंगे ताकि असी भी ना फसीए भी तुसी झूठा केस इन्ना प्रोलोंग किया हूँ उन्हों का सन इन लॉ मेरे घर 10 दिन का गेड़े मार रहा है एक सन इन लॉ जिदी उन्होंने लड़ाई हुई है कह रहे हैं कि वो तो हार्ट अटैक नाल मरिया सी मैं कि तुसी बड़ी छेती जागे हो थोड़ा बड़ी छेती पता चलिया तुसी पहला तो कोई प्रूफ देने ही नहीं आए कहिंदे मैम असी केस ही नहीं किया ये तो पोलीटिकली मोटिवेटेड सी क्योंकि घलौड़िया का जिहड़ा मुंडा है वो कैप्टन अमरिंदर भारतेंद्र चहल से उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं तो एक कुड़ी है वो घर मजीठिया तो सुखबीर बादल तो उन्हें मजीठिया ने अपनी भैन बनाई हुई है ठीक है ना सो कहते तो मतलब हूँ जी रिव्यू पिटीशन हुई है जोड़ा कि रिकॉर्ड ज कदम जिंदगी नहीं होया उस जो झूठा गवाह पेश किया क्योंकि जोड़ा नवजोत के केस सी बी सी तो चीका मारता रहा भी भाई नवजोत सिद्धू तो खड़ा से हाजिरी ला के उन्हें हाथ भी नहीं लाया बंदे उन्होंने गायब करता उसकी जगह 2 उन्होंने झूठे गवाह पेश करते उ तो झूठे गवाह जो हूँ रिव्यू पिटीशन पवाई है वह बंदे का किडनी ट्रांसप्लांट होया पटियाले दे विच सीगा पर वो दिल्ली पहुँच के किवें जाके साइन कर सकता रिव्यू पिटीशन ते तुसी ये तो पता करो भी कौन पैसे दे रहा 15-15 लाख जिते सीनियर लॉयर्स उत्थे जाके पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट च या अगे तक केस लैके जा रहे हैं कि वह घलौड़िया परिवार पैसे खर्च रहे गवर्नर को जावा मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नू अपील किया इन्होंने फाइल गायब करती ए सीएम भगवंत मान ने फाइल गायब करती जिदे विच उन्होंने सिर्फ ये लिखना सीगा कि ये बंदे का मॉरल कैरेक्टर कोई क्रिमिनल या गैंगस्टर का नहीं है
पर इन्होंने वो फाइल मैनू नहीं दिती क्योंकि मेरा ये राइट एज अ सिटीजन कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ पंजाब ते ओनू हरियाणा नु मैं जाके मिलके अपील कर सका जेडी तुसी पेन ड्राइव दित्ती सी की मुख्यमंत्री भगवंत मान नु की ओदी कॉपी नहीं तुनु लगया नहीं किवें जे सारे इस तरीके नाल चल रहे ने ते मैं पब्लिक डोमेन च या फिर मीडिया दे अगे रखा नहीं मैनु ये लगया कि इन्नी देर होगी केस दी क्योंकि मैं नवजोत नु पुछदी रही तुसी क्यों नहीं मिलदे कहिंदे मैं किनु जाके मिला भी मैं किनु जदों मैं उहनां नु ये लगदा सीगा कि मैं जो बंदे नो हाथ ही नहीं लाया केड़े लेवल तक जाके मैं अंदर कर दे मैम तुसी स्पष्ट लफ्जा विच कहोगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादला ने फसाया कैप्टन अमरिंदर सिंह 100% नवजोत सिंह 100% कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ड्यूरेशन 300 तो उत्ते बंदियां नूं माफी दित्ती है एक साल की सजा माफ हुंदी है गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर सेक्शन 72 पता नहीं या 168 ओ मैं फाइल्स बनाईयां हुई है माफ कर सकदा है क्यों फिर अंदर क्यों रखा जा रहा है की कोई नवजोत सिंह सिद्धू तो भगवंत मान सरकार का डर है सच तो हर बंदा डरदा है कि तो उन्होंने पूछे जावे सो मेरी हुण अप्रैल दे विच कहा जा रहा है कि फर्स्ट हफ्ते दे विच रिहाई हो सकदी है देखो मैं अपनी अपनी कंडीशन अपनी फिजिकल कंडीशन नु इतना बुरा कर लिया मेनू इस तो ज्यादा हुण कुछ नहीं चाहिए भी मैं हुण की कर सकदी हां बिजनेस दे हुण रडार च कई कांग्रेसी जिहड़े होगे सामने आ रहे चाहे वो कल भी लगातार कंटिन्यू हो रहे देखो जिहड़े जिन्हां ने जो कर्म कीते उहनां दे सामने आ रहे हैं हर बंदे नु राइट है कि किसी भी बंदे ते विजिलेंस पवावे ते उहनां नु पुछे हुण जे मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी च खर्चा किया है तो उन्होंने राइट है कि मैं पूछन दा कि भाई तू पैसा कितने खर्चे केड़े लोगों ते खर्चे कोई गलत तो नहीं खर्चे अपनी जेब तो नहीं पाया तो राइट है सरकार का अमृतपाल देश नु किस तरह देखदे हो पंजाब च ओदे बारे नो कमेंट्स क्योंकि ये गवर्नमेंट दा है अपा नु किसी नु भी लॉ एंड ऑर्डर दे अपा नु अपा पंजाब च चल रहे लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन अपा किसी भी ओदे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਫਸਟ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 700 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ